हैवानियत की शिकार दो बेटियों की दर्द भरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए आज की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, रायसेन की 6 साल की मासूम हर रात करवट बदलते ही चीख उठती है। उसे 1 साल पहले होली के दिन 25 साल का युवक घर के बाहर से उठाकर ले गया था। दुष्कर्म के बाद बेसुध हालत में उसे जंगल में छोड़ गया था। माता पिता गरीब थे तो डॉक्टरों ने भी लापरवाही बरती, सिर्फ दर्द निवारक दवा देकर घर भेज दिया। बच्ची दुष्कर्म का दर्द अब तक झेल रही है। उधर विदिशा के ग्राम कछुआ में 8 दिन पहले 22 साल का बिलाल मूकबधिर लड़की को मुंह दबाकर अपने घर ले गया। वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उसके परिवार की 2 महिलाएं घर के बाहर पहरा देती रही। किशोरी के नाना और गांव के सरपंच को भी उन्होंने बाहर से लौटा दिया। रायसेन डॉक्टरों ने हर बार दवा देकर घर भेज दिया। अब एम्स में होगी सर्जरी। रायसेन में 29 मार्च 2021 को 6 साल की मासूम घर से पिचकारी भरकर होली खेलने निकली थी। जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वाले ढूंढने निकले। काफी देर बाद बेटी जंगल में खून से लथपथ बेहोश मिली। माता पिता वैसी ही स्थिति में उसे गोद में उठाकर घर ले आए। थोड़ी देर बाद जब बेटी को होश आया तो वो दर्द से चीखने लगी। माता पिता उसे सांची के अस्पताल लेकर गए। वहां उसे रायसेन के जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने पूरी तरह फिट बताकर घर भेज दिया, जबकि उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज था। गरीब माता पिता उसे लेकर विदिशा, रांची और रायसेन के अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार डॉक्टरों ने उसे दर्द कम करने की दवा देकर लौटा दिया। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा, लेकिन आराम नहीं मिला। हाल ही में बच्ची की ब्लीडिंग बढ़ गई। मामले की जानकारी बाल अधिकारी संरक्षक आयोग को लगी तो आनन फानन में एम्स भोपाल लाया गया, जहां उसकी सर्जरी की जा रही है। आरोपी राजा सहारिया अभी जेल में है। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने इस मामले की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। विदिशा पुलिस ने सिर्फ बिलाल पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया है, बाकी को छोड़ दिया है। अब बात विदिशा के मामले की। इसी साल 28 फरवरी को 22 साल के बिलाल खान ने 17 साल की किशोरी का मुंह दबाया और उसे खींचकर अपने घर ले गया। किशोरी मूकबधिर है, इसलिए चिल्ला भी नहीं सकी। बिलाल उसके साथ ज्यादती करता रहा, उसे दबोचे रहा। हैरानी की बात है कि बिलाल के घर की ही 2 महिलाएं बाहर पहरा देती रही। मासूम की असमत लूटने की खबर होने के बावजूद महिला होने के नाते भी वे उसकी मदद करने को आगे नहीं आए। पीड़िता के नाना ने बताया कि वह सरपंच के साथ ढूंढते ढूंढते जब बिलाल के घर पहुंचे तो बाहर बैठी महिलाओं से उन्होंने अपनी नातिन के बारे में पूछा तो दोनों ने नातिन के वहां होने से मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनकी नातिन खून से लथपथ होकर घर से बाहर निकली तो सब हक्का बक्का हो गए। सरपंच किशोरी को थाने ले गए। पुलिस ने बिलाल पर तो केस दर्ज कर लिया, लेकिन पहरा देने वाली महिलाओं को छोड़ दिया। 8 दिन बाद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर प्रजापति समाज के दिनेश प्रजापति और उमेश प्रजापति ने गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी। इनका कहना है कि यदि 7 दिन के अंदर प्रकरण दर्ज नहीं हुआ तो प्रजापति समाज थाने का घेराव करेगा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।